Hello students, welcome to Gyan Jyoti Public School online classes. Today I am going to see about trigonometric ratio of complementary angles. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे complementary angle किसको कहते हैं. Complementary का मतलब क्या होता है? यदि theta का complementary यदि निकालना होगा, तो क्या होगा? 90 minus theta, 90 degree minus theta. ठीक है? तो कोई भी एक right angle triangle लेते हैं. A, B, C, इसमें B 90 डिग्री है. यदि हम C को थीटा मानते हैं, इसमें कितने एक्यूट एंगल हैं? दो. एंगल C भी है और एंगल A भी है. तो यदि C को हम थीटा मानते हैं और B हमारा 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हम एंगल A का मान निकाल लेते हैं. तो एंगल A का मान कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स और ट्रायंगल 180 डिग्री. तो 180 डिग्री माइनस दोनों को सम करके आप निकाल लेंगे. ठीक है, 90 प्लस थीटा को हम क्या करेंगे, पूरे 180 से हम माइनस कर देते हैं. तो कितना हमारा है, देखिए 90 माइनस थीटा, अब ये हमारा मान आ गया 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो एक इक्विट एंगल हमारा ये है, दूसरा इक्विट एंगल ये है. तो कोई भी इक्विट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है. तो यदि थीटा हम लेते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, 90 माइनस थीटा लेते हैं तो बीसी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, और हाइपोटेनियस जो कि 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस होता है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा. ठीक है, तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होना चाहिए, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी. ठीक है, यदि साइन हम 90 माइनस थीटा लेते हैं, यदि हम साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा मान, ये हमारा बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी बाई एसी. ठीक है, लेकिन साइन की जगह पर यदि हम कॉस कर देते हैं, यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये फेस बना जाएगा, तो ए बी बाई एसी. अब देखिए ए बी बाई एसी यहां भी हो गया, ए बी बाई एसी यहां भी हो गया. ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहां देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए बी बाई एसी और ए बी बाई एसी दोनों इक्वल है, तो यहां हमारा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा. ये हमारा फॉर्मूला निकल गया कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. इसी तरीके से बहुत सारे हम फॉर्मूला इस आधार पर हम बना सकते हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan theta, sec 90 माइनस theta इज इक्वल टू cosec theta, और cosec 90 माइनस theta इज इक्वल टू sec theta. ये आपका ये फॉर्मूला हो गया. अब इस पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 12. एक्सरसाइज 12 देखिए, एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सरसाइज 12 में क्या है, एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट करना है साइन 16 डिग्री बाय कॉस 74 डिग्री. अब इस तरीके का कहीं भी यदि क्वेश्चन मिले तो उसका मान 1 होता है. कैसे 1 होता है आप देखिए, या तो अप या डाउन दोनों में से कोई भी एक का आप साइन 90 माइनस थीटा में आप कन्वर्ट कर दीजिए. तो इसको हम साइन 60 डिग्री के जगह पर 16 डिग्री, 60 डिग्री के जगह पर 90 माइनस 74 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 74 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा. इसको हम यहां के यहां छोड़ देते हैं. अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहां हम थीटा रखे थे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा, cos 74 by cos 74. अब ये एक कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा.
तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका मान 1 होता है। अब इसमें आप जितने भी क्वेश्चन हैं 2, 3, 4, 5, 6 आप सॉल्व कर लेंगे। एक आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब cos 81 माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, cos 81 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब उसी तरीके से किसी एक को चेंज कर दीजिए 90 माइनस थीटा, या तो इसको 81 को चेंज कीजिए या 9 को चेंज कीजिए, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81 माइनस sin 9 डिग्री, अर्थात ये sin 90 माइनस थीटा हो गया, cos 90 माइनस थीटा, तो sin 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, तो ये प्लस है ये माइनस है, फैक्टर आपका 0 हो गया, ये प्रूफ करना है। तो इसी तरीके से आप इसमें का टोटल क्वेश्चन आप पुट अप कर लेंगे। जहां यदि बीच में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में दीजिएगा, जितना कोशिश हो सके उतना आप बनाने की कोशिश करेंगे।